आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज चीज़ बर्स्ट सैंडविच, जिसे मैं बनाने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच मेकर में। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसमें किन चीज़ों की आवश्यकता है देख लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 4 पीस, 4 पीस वाइट ब्रेड, और लिया है बटर, और इसके साथ लिया है प्रोसेस चीज़ जैसे कद्दू का स्केयर लिया है, और एक बड़ा बॉल है, और इसमें शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च काट लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है। बट इसमें ये ध्यान रखना है इस सैंडविच को बनाने के लिए कि हमें जो शिमला मिर्च और प्याज लिया है बिल्कुल फाइनली चॉप्ड करना है, बहुत ही बारीक काटना है। जितना आप बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काट लें। तो जितना बारीक काटेंगे उसका टेक्सचर, इसका खाने में स्वाद उतना ही अच्छा आएगा इस सैंडविच में, क्योंकि हमें इसे कच्चा ही यूज़ करना है, हम इसे फ्राई करने नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जितना बारीक रखेंगे इसको। और इसके साथ लिया है मैंने ये सेजवान चटनी ब्रेड पर स्प्रेड करने के लिए, और ये लिया है 2 बड़े चम्मच चाट मसाला और 2 बड़े चम्मच सेजवान चटनी। तो चलते हैं अगले प्रोसेस पे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से पूरी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैं अलग से नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रोसेस्ड चीज़ में भी नमक होता है, और सेजवान चटनी में नमक होता है, और जो लिया है मैंने चाट मसाला उसमें भी नमक होता है। तो इतना नमक हमारे लिए काफ़ी है, तो मैं अलग से नमक नहीं डाल रही हूँ। फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं। और अगले प्रोसेस पे मैंने ये ब्रेड लिया है जिसके मैंने दोनों साइड पे बटर लगा दिया है, और 2 ब्रेड के पीस पे मैंने सेजवान चटनी को अच्छे से फैला के लगा दिया है। सेजवान चटनी की जगह आप हरी चटनी या फिर टमाटो सॉस भी ले सकते हैं। तो ब्रेड पर फिलिंग करने से, टॉपिंग करने से पहले हम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच मेकर है इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करते हुए देखेंगे ये रेड लाइट ऑन है, तो जो हमारा ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा तो ये प्री हीट हो जाएगा, तो इसको प्री हीट करने के लिए ऑन कर देते हैं और सैंडविच में बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 पीस पे सेजवान चटनी लगाया है और 2 पे नहीं लगाया है, आप अगर चाहें तो 4ों पे लगा सकते हैं। और इस पे सबसे पहले हम ये सब्जियों को डालेंगे, तो इवनली अच्छे से चारों तरफ कटी हुई सब्जियां फैला दें इस पे। इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे कद्दूकस किया हुआ चीज़, और इसके ऊपर से थोड़ी सी सब्जियां और स्प्रेड कर दें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, थोड़े से चीज ऊपर से और डाल दें। और दूसरे पीस को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लें, जो बटर लगा हुआ पार्ट है उसे ऊपर की साइड रखें, और थोड़ा इसे दबाते हुए अच्छे से सेट कर लें। तो ये सैंडविच मेकर प्री हीट हो चुका है, और इसे सैंडविच बनाने से पहले, रखने से पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लें ताकि आपका सैंडविच बनने के बाद आसानी से बाहर आ जाए। तो इसको इसमें सेट कर लेते हैं। इसको बंद कर दें, अच्छे से लॉक कर दें। और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए सेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसको ऑफ कर देते हैं और इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये रेडी हो चुका है हमारा सैंडविच, इसे बाहर निकाल लेते हैं।
बहुत ही सावधानी से निकालेंगे, ये गर्म होता है। और इसे बीच में से कट कर लें। तो ये तैयार हो चुका है हमारा सैंडविच, और इसे आप किसी भी टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये आप हॉलीडेज में संडे को आप फटाफट, ये बन जाने वाली रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी है, और इसका मज़ा आप संडे को ले सकते हैं कम टाइम में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।